हमारे साथ डिंपल यादव आई, उनसे बात करते हैं। मैम, हाथरस में एक भयावह घटना सामने आई है, 100 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि घायल और मृत है। मैं समझती जो सूचनाएं आ रही हैं अब तक कह रहे हैं 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस घटना को लेकर, और कहीं ना कहीं इसमें शासन और पूरा प्रशासन की विफलता दिखाई दे रही है। अगर इतने बड़े स्तर का आयोजन हो रहा था तो कहीं ना कहीं इसमें शासन और प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं किया है। और मैं समझती हूँ कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उनको सुविधाएं पहुंचाई जाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और थोड़ा शासन और प्रशासन एक्टिव होकर इसमें काम करे। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की और कहा है 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, सारा राहत कार्य जो है जल्द से जल्द होगा। पहली बात तो घटना घटी ही क्यों, जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो क्यों नहीं पहले इस तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई जिससे कि इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। अब चूंकि घटना घट चुकी है तो मैं शासन से कहना चाहूंगी कि आप 100% लोगों को सहायता पहुंचाएं। यहाँ पे डिंपल यादव हमसे बात करते हुए आप देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि आयोजकों का सवाल नहीं, यहाँ पे प्रशासन को जो है मुस्तैदी से सुविधा और व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए थी और अब घटना घट गई है तो प्रशासन को राहत कार्य भी जल्द से जल्द पहुँचाना चाहिए। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।